एक तरफ देश में बढ़ती बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं इस बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में लोगों से आत्मनिर्भर बनने की बात साझा की, जिसके बाद आपने हजारों ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि कई लोग आत्मनिर्भर बनने की कवायद में बेरोजगारी से आजाद हुए और आज अपने हौसलों से खुद का रोजगार चलाने की हिम्मत रखते हैं। आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं बिहार के सारण जिले के गरखा में, जहां मशरूम की खेती की जा रही है। इस मशरूम प्लांट के मालिक किसान अजय यादव का कहना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के बयान से काफी प्रभावित हुए और मशरूम की खेती कर आज खुद का रोजगार चला रहे हैं, साथ ही मशरूम प्लांट में काम कर रहे किसानों को भी रोजगार दे रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अजय कुमार, सुनिए। सही मैंने दिमाग में था और माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहती है कि लोकल फॉर वोकल। शुरू से ही उनकी मन की बात है कि यहाँ लोग मैंने जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला। ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और वहीं से प्रेरणा मिला ताकि लोगों को जॉब दिया जाए, लोगों को आगे निकाला जाए, ताकि इस मैंने बैकवर्ड बिहार ताकि डेवलप करे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएँ। और यहाँ जो इन्वेस्ट हमने किया, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी गरीब से गरीब महिला, गरीब से गरीब बहुत सारी पढ़ने वाली लड़कियाँ, यहाँ के लोकल लोग लगभग 60 व्यक्ति को डायरेक्ट जॉब मिला है यहाँ से। मशरूम की फसल को तैयार होने में महज 40 दिन लगते हैं। वहीं अभी फिलहाल ये फुलवरिया के खेत में 2 एकड़ में लगाया गया है, जिसकी तकरीबन लागत 250 करोड़ बैंक से कर्ज लेकर शुरुआत की गई है। अभी फिलहाल ये बिहार के अलग अलग जिले और झारखंड, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में इसको भेजा जा रहा है। वही गौरतलब है कि गरखा में चल रहे इस खेती की वजह से कई किसानों को रोजगार मिला है।